नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि बिल के खिलाफ देश भर में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। बिहार से लेकर पंजाब तक किसान सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब हरियाणा में भी किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान कल से ही 3 दिनों के लिए रेल रोको आंदोलन पर है। भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान संगठन इस बंद में शामिल है। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, टीएमसी समेत कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला हुआ है। पंजाब में किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी द्वारा रेल रोको आंदोलन का आज दूसरा दिन है। कमेटी ने किसान बिल के विरोध में 24 से 26 सितम्बर तक रेल रोको आंदोलन चलाया है। किसान रेलवे ट्रैक पर टेंट गाड़ कर बैठे हुए हैं। रेलवे ने किसान आंदोलन को देखते हुए एहतियातन 13 जोड़ी ट्रेनों को गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया है। इसके अलावा 14 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। रेलवे ने पंजाब से होकर गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रोक दिया है। वहीं बिहार में भी किसानों का प्रदर्शन सुबह से ही शुरू हो गया है। आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दर्जनों ट्रैक्टर साथ लेकर किसान बिल का विरोध करने निकल चुके हैं। सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ता उनके साथ हैं। किसान बिल के विरोध में तेजस्वी यादव ने खुद ट्रैक्टर चलाया। बिहार के हाजीपुर में भी बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने गांधी सेतु के पास NH-91 पर जाम लगा दिया और आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने कृषि बिल के विरोध में बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी भी की है। उत्तर बिहार की लाइफलाइन गांधी सेतु के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।